हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं टैटू ट्रेनिंग चैनल। आज जो वीडियो है वो एक जुगाड़ के ऊपर है। एक छोटा सा जुगाड़ है, जब हम कलर मिक्स करते हैं बहुत टाइम ऐसा हो जाता है जब हम कलर मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं होता है। देखिए, स्टेराइल वाटर में मिक्स करना होता है तो बहुत ईजी हो जाता है, बट दो कलर को मिक्स करना, दो कलर के शेड लाना, प्राइमरी टू सेकेंडरी बनाना बहुत हार्ड हो जाता है। वो शेड नहीं आ पाता है क्योंकि हम अपने हाथों से या कोई चीज़ों से मिक्स करते रहते हैं। कई बार होते हैं हमारे पैलेट में एक कलर नहीं होता, हम प्राइमरी से सेकेंडरी पर आते हैं, तो सेकेंडरी का शेड लाना एक कैप के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो मिक्स अच्छे से नहीं होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे नीडल से अगर आपको मिक्स करना है तो ये भी एक तरीका है, पर इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक 2-4-5 मिनट तक आपको नीडल घुमाते रहना होगा ताकि वो इंक उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपका जो शेड है वो प्रॉपर आए स्किन के ऊपर। तो ये होता है छोटा छोटा बात जब हम काम करते हो बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे कोई एक ऑप्शन चाहिए जो यहाँ पे इसको मिक्स इजीली करे। तो मार्केट में मिक्सर्स अवेलेबल है जो आपके इस कलर को मिक्स इजीली करेगा। जैसे कि आप चाहे तो अमेज़ॉन में जाके चेक कर सकते हैं, कॉफ़ी मिक्सर आता है वो भी आप ले सकते हैं, 120-125 रुपये का कुछ है, मुझे पता नहीं, मैंने लिया नहीं है, बहुत पहले देखा था। आप देख, कॉफ़ी मिक्सर लिखना आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं, सीधा सीधा रेडी फिनिश प्रोडक्ट आपको सामने आएगा। बट अगर यहाँ पर अगर आपको जुगाड़ करना है, आपको बहुत सस्ते में काम करना है, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि हमेशा यूज़ होता नहीं है तो क्यों इन्वेस्ट करें। यहाँ पे मैंने लिया एक मोटर, और आपका कोई भी जो फुट पैडल होगा जो ख़राब हो गया, ये आपका RCA क्लिप कॉर्ड, तो उसमें का ये वाला भाग आपको करना क्या है, बस इस मोटर में ये दो वायर्स कनेक्ट करना है। सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो मत कीजिए, आपको डर लगता है तो, बट अगर आप स्मार्ट इनफ है तो फिर आप कर सकते हैं। मैंने जोड़ दिया इसके ऊपर, मुझे या तो आप टेप लगाइए अच्छे से, शोल्डरिंग होगा तो ज़्यादा बेटर है, फिट रहेगा, बट मेरे पास तो शोल्डरिंग मशीन है, मैंने सिर्फ उसको कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मैजिक टेप लगाई, ये मैजिक टेप है जो हम लोग मशीन्स में लगाते हैं चेंज करने के लिए मशीन गंदा ना हो, तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ऑटोमेटिक स्टिक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये अच्छे से स्टिक हो गया, देखो, और मेरा कुछ भी हिलेगा नहीं वायर एकदम, ये मेरा हो गया तैयार। बहुत इजी तरीका है, कोई इसमें आपको ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक मोटर की ज़रूरत है और आपका वो पिन का, ठीक है, जो माइक पिन कहते हैं हम लोग उसे। तो ये तो हमारा हो गया, अभी हम इसको हटाते हैं। ये है हमारा ईयरबड जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, इसको हमें मोटर के आगे लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ, दोनों साइड से इसको कट करके हम बर्ड्स हटा देंगे। अच्छा, मैं ये इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें हर टाइम नया यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमें सबसे सस्ता यही पड़ेगा, ठीक है। इसके मोटर के आगे हम ये लगा देंगे, अच्छे से लग गया। तो देखिए, हमारा ये हो गया रेडी, ठीक है। टोटल आपका एक इक्विपमेंट्स रेडी हो गया, छोटा सा समझो 25 का मोटर होगा और 15-20 रुपये का वायर और वो उसका पिन होगा 50 के अंदर। अच्छा, मोटर को 9 वोल्ट के ऊपर मत लेके जाना, मैं यहाँ पे 3 ही रख रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है 9 भी लेके जाने का, 3 बस हो गया आपके पावर सप्लाई के हिसाब से। आप जहाँ पे कॉइल मशीन लगाते हैं ना, वहाँ पे आप जो भी मशीन आप लगाते हैं वहाँ पे ये पिन आप लगा दीजिए, ठीक है। आपने ये लगा दिया और मेरा जो है ये रेडी हो गया। अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। 3 पे है, देखो, 5 के ऊपर तो लेके मत जाओ, कम से कम में चलो तो मोटर जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो चल रहा है, एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है, वर्क कर रहा है आपके सामने है, देखो। पर आगे का सिरा जो है वो ज़्यादा हिल रहा है, मैं इसको ठीक सीधा करने को, पर वो ज़्यादा, ये क्या करेगा ना, आपका कैप में से कलर उड़ाएगा बाहर, तो वो अपने को नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, इसको है ना कट कर देंगे हम लोग, क्योंकि इसका लेंथ बड़ा है ना, जब वो ज़्यादा घूमता है तो उसका मोशन ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने इसको कट कर दिया, अभी घुमा रहा हूँ, तो देखो उसका मोशन कम हो गया आगे से, तो अपने को बस उतना ही मोशन चाहिए। तो अभी हम कैप लेंगे, इसमें कलर वापस डालेंगे और देखेंगे कितना ईजी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार होता है। कमेंट से पता चलता है कि बहुत लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और मैं आगे कुछ वीडियो बना पाऊँ, नहीं तो मैं रह जाऊँगा, फिर मैं सोचूँगा शायद लोग, क्योंकि मेरे वीडियो सिर्फ टैटू सीखने वाले ही देखते हैं, पूरी पब्लिक नहीं देखती है, तो मेरे जो क्राउड है वो बहुत कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि ठीक है, अगर आपको नहीं जानता ये चीज़ तो मत कीजिए, अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। तो देखिए, हमारा तैयार हो गया और ये बहुत अच्छे से मिक्स होगा विद इन अ सेकेंड, मतलब 2-4 सेकेंड में, 10 सेकेंड में तो इतना मस्त मिक्स हो जाएगा। देखिए, आपके सामने हो गया मिक्स, और क्या चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आपको फिर एक नए वीडियो में नए टेक्निक के साथ, तब तक आप बने रहिए, बाय, टेक केयर।